नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6, इसमें दे रखा है कि चार आवेश हैं QA, QB, QC, जिनके परिमाण दे रखे हैं क्रमशः 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम। ये एक वर्ग के चार कोनों पर स्थित हैं। वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर इस वर्ग के केंद्र पर रखे आवेश 1 माइक्रोकूलम पर हमें परिणामी बल निकालना है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास चार आवेश हैं और ये चारों क्या करेंगे, अलग अलग इस पर वैद्युत बल आरोपित करेंगे, यानी हमें अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना होगा, अर्थात हमें परिणामी बल निकालना होगा। तो हम करेंगे क्या, पहले इसके द्वारा इस पर यानी QA Q पर कितना वैद्युत बल आरोपित करेगा, QB Q पर कितना वैद्युत बल आरोपित करेगा, इसी तरह से QC कितना आरोपित करेगा और QD कितना आरोपित करेगा। सबको निकालते हुए दिशा के सहित हम क्या करेंगे, इसका परिणामी निकालेंगे यानी वेक्टर सम करेंगे। तो सबसे पहले अलग अलग वैद्युत बल निकाला जाए, तो QA द्वारा Q पर आरोपित वैद्युत बल F1 से डिनोट कर दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 के जगह पर QA की वैल्यू इंटू माइक्रो यानी 10⁻⁶ इंटू Q2 यानी 1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई, अब हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसका सिंपल तरीका ये क्या है, समकोण त्रिभुज, ये भुजा 10 सेंटीमीटर, ये भुजा 10 सेंटीमीटर, तो ये विकर्ण कितना आएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी हो गया कितना 2 × 10⁻² यानी आ जाएगा 10√2। तो ये तो पूरा हो गया, हमें आधा चाहिए यानी इसका आधा करते हैं यानी ये आ जाएगा 5√2। तो यहां पर डिस्टेंस में हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज कर दीजिए मीटर में यानी 10⁻²² का ये स्क्वायर। ठीक, तो 1/4πε₀ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा 9 × 18 ऊपर -6 −6 − 12 और 12 में 9 कितना हो गया 10⁻⁻³। यहां आ जाइए, स्क्वायर करेंगे 25 × √2 है इसका स्क्वायर × 10⁻⁴ यानी आ गया ये 18/50 × 10³। ठीक है, ऊपर जाएगा एक प्लस हो जाएगा यानी आ गया 180/50। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट गया यानी आ गया 5 × 3 = 15, 3 बचेगा 5 × 6 = 30, कितने मीटर। अब ये बल कैसा हो गया, देखिए दोनों कैसे आवेश हैं, सजातीय हैं यानी लाइट चार्जेस हैं, तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा यानी F1 इधर की ओर कार्य करेगा, इधर की ओर कार्य करेगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि QA की भी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, QC की भी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, यानी जितना बल QA इस पर आरोपित करेगा उतना ही बल QC आरोपित करेगा और ये भी इसे रिपल करेगा, यानी F3 की जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी और जो दिशा होगी वो वही इसके अपोजिट F1 के, यानी यहां पर QC द्वारा Q पर वैद्युत बल की अगर हम बात करें, इसको F3 से डिनोट करते हैं तो इसकी वैल्यू सेम आएगी 3.6 न्यूटन और दिशा हो जाएगी किधर से किधर, O से A की ओर। ठीक है, इसकी दिशा होगी O से A की ओर और इसकी दिशा होगी O से C। अब इसी तरह से आ जाइए QB द्वारा, ऊपर वैद्युत बल इस
इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो एफ टू से डिनोट कर दिया जाए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक, क्यू वन की जगह पर 5 माइक्रो यानी 10 टू द पावर -6, क्यू की जगह पर 1 यानी माइक्रो 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस वही हो जाएगा 5 रूट टू इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो 9 बजे 45 हो गया यहाँ पर, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 यानी 50, ऊपर -6 -6 -12 में से 9 गया यानी -3, और नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर -4 यानी ये आ गया, 5 से काटेंगे आप, 5 में 45 यहाँ 10 यानी 0.9 इंटू 10 टू द पावर 10 यानी आ गया 9। अब दिशा किधर की ओर होगी, ये कैसे हैं, अनलाइक चार्जेस है, ये माइनस में है ये प्लस में है, यानी ये क्या करेगा इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी एफ टू की जो दिशा होगी वो इधर की ओर होगी। इसी तरह से देखिए डी पर जो आवेश है वो भी -5 माइक्रो कूलम यानी बी पर आवेश के बराबर है, यानी ये भी इस पर उतना ही वैद्युत बल आरोपित करेगा, और ये भी अनलाइक चार्ज है तो क्या करेगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी एफ फोर की जो दिशा होगी वो इधर की ओर होगी। तो इसी तरह से क्यू डी द्वारा क्यू पर वैद्युत बल एफ फोर की जो वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी यानी 9 न्यूटन आएगी, और दिशा इसकी हो जाएगी ओ से डी की ओर, और इसकी दिशा होगी ओ से डी की ओर, ठीक। अब देखिए F3 और F1 परिमाण में बराबर हैं, परस्पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से F2 और F4 भी परिमाण में बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, इसलिए ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। अतः Q पर परिणामी बल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पर Q पर परिणामी बल कितना आएगा 0 आएगा जब आप जोड़ेंगे रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। इसको देखिए इस तरह से निकाला जाएगा, अगर हम बात करें डिटेल में इसको आप लिखेंगे F बराबर F1 प्लस F2 वेक्टर फॉर्म में,